150 का है यार जी। भैया अस्सी रुपए की थाली 150 में बेच रहे हो आप। कौन बेच रहा है? तो 10 बजे खाया, 10 बजे कंप्लेंट किया, कल किया। हाँ सभी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं वाराणसी, जो कि यूपी में पड़ता है। ट्रेन हमारी 12238 बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है जम्मू तवी से वाराणसी जाने के लिए। तो हमारी जो ट्रेन है वो 2 बजे जम्मू तवी से चलेगी। तो चलिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं एंड आज की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। अभी टाइम देख रहे हो, 1:20 हो रहे हैं, यानी कि 40 मिनट रह चुके हैं हमारी ट्रेन चलने को। सो भाई आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जम्मू तवी के, और ये मेरे पीछे लगी है बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन हर दिन 2 बजे जम्मू तवी से खुलती है। 1260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन 12:30 यानी कि 12:30 आपको वाराणसी पहुंचाती है। इस जर्नी को कंप्लीट करती है ये ट्रेन 22:30 में लगभग 12 हॉल्ट के साथ। हॉल्ट काफ़ी कम है। बाकी ट्रेन का शेड्यूल आज थोड़ा लेट हो गया, ये ट्रेन यहाँ पे थोड़ी लेट आई थी, 11:10 के आसपास टाइम था, लेकिन 1:30 के आसपास आई। तो अभी सफाई वफाई चल रही है इसकी, और यात्री भाई देखो कैसे गुस्से में लगे पड़े हैं। देखिए भाई अभी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, और टाइम देखो भाई मात्र 30 मिनट रह चुके हैं ये ट्रेन खुलने को, लेकिन अभी तक इसकी साफ सफाई ही चल रही है। बटरी लगने जा रहा है इसके साथ WFD7 का तुगलकाबाद साइड का लोगों ने। बाकी अब ट्रेन की कपलिंग होती है, लोग देखो भाई कैसे देखते हैं, ये बहुत हंसी आती है इनको देख। ओए मार पड़ जाई, ज्यादा पी लिए क्या? था ओ गिरा दिया उसको नीचे, दूसरा भी जाग गया। ये पनौती कहाँ से ले आया आप लोग? अरे पता ना कहाँ से चला है। बाकी दोस्तों आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो 3rd AC में होने वाली है, और आज का अपना कोच है देखिए V1 सीट नंबर 39। बाकी ये अपने आज की सीट, और RAC में है। RAC वाला बंदा कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं। बाकी साफ सफाई कोच की एकदम बढ़िया है भाई, देखिए शिकायत का मौका नहीं दिया भाई। बाकी अगर आप जम्मू तभी आते हो तो यहाँ से खाना खाना मत भूलिए, ये छोले भटूरे मिलते हैं बहुत ही बढ़िया। कितने की प्लेट है भैया? 50 की। 3 दे दोगे? दे दो। बोतल नहीं है? बोतल पानी की बोतल आपका भी एक है। कौन सा सीट है? सीट कौन सा? तो ये आ गया भाई हमारा खाना, गर्मा गर्म छोले भटूरे, सभी खा लेते हैं इसको, ताज़े छोले भटूरे। टेस्ट की बात करें भाई लाजवाब है यार, लाजवाब बहुत ही टेस्टी हैं। तो अभी खा लेते हैं, बाकी भाई छोले भटूरे हमने खाए, छोले भटूरे कुछ नहीं बना, अभी हम चावल कर रहे हैं अंकल के ट्राई, 40 रुपए के दे रहे हैं। एंड काफ़ी जेन्युइन रेट है यहाँ पे, अगर आप ट्रेन में खाते हो तो आपको 100 से नीचे नहीं भाई मिलेगा। सो ये चावल भी खा लेते हैं, अभी चावल भी आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे हैं। कढ़ी चावल, ये न्यूट्री है सोयाबीन, हाय 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 मज़े तो सुन गए यार, एकदम डिलीशियस खाना है, टेस्टी खाना है। अगर आप इधर आते हो ना जम्मू में, प्लीज़ रेडी वालों से ज़रूर ट्राई करें। सो भाई टाइम देख सकते हो 2:23 हो रहे हैं पटना में, और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भाई जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। तो
अबे कौन है ओए भाई, मैं क्या बोलूं। गाड़ी देखी हारन दे दिया, मैंने कहा वही गाड़ी है यार, बोले नहीं दूसरी कोई गाड़ी होगी। जब देखा तो उसे हरी झंडी ऐसे दिखाते थे ना, मैंने कहा महा ऐसे दौड़ते दौड़ते आते अभी तुरंत खाना खाया था, तुरंत दौड़ना अथवा वो नहीं है आपकी जॉब है क्या? अच्छा इसी में हूँ ना। गाड़ी अभी चली भी नहीं थी और पेंट्री स्टाफ के मैं होंगे कोच अटेंडेंट होंगे, उन्होंने चैन खींच दी थी भाई, बंदे बाहर गए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि 2 बजे चलती है, थोड़ी लेट थी लेकिन 2:40 पे चलनी थी, 2:38 पे चल गई और बंदों ने चैन खींच दी। बाकी देखिए ट्रेन अभी चली है और हमें कटन सन बेड रोल्स मिलने लगे हैं, ये अच्छी बात है कि सामने सामने दे रहे हैं। बेवकूफ समझते हो दूसरे आदमी को, किसी और की टिकट तू दिखा रहा मोबाइल के अंदर मुझे, चलिए कहाँ दिखाई ना तूने, तेरा क्या नाम है मेरे को बता, क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताइए, सूरज है ना नाम? तो ये इसकी कमलेश यादव की टिकट तुमने क्यों दिखाई मुझे? मोबाइल पे दिखाई ना तुमने टिकट के, मेरा नाम है कमलेश यादव, मैंने सीट चेंज करी है। बाकी भाई जो अपनी बेगमपुरा एक्सप्रेस है ये काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी अभी ये रुकी थी कठुआ रेलवे स्टेशन पे जो इसका पहला हॉल्ट था, लेकिन ये वहाँ पे लेट आई है 41 मिनट, 3 बजे टाइम था लेकिन 41 मिनट लेट आई है। बाकी अभी दिखाते हैं आपको रावी रिवर जिसके आगे से हमारा पंजाब स्टार्ट हो जाता है, और जो रावी रिवर है ये जम्मू और पंजाब को डिवाइड भी करती है, मतलब एक बॉर्डर कह सकते हो आपको। बाकी आ गई सामने रावी रिवर दिख रही होगी आपको, और पीछे से कर्व देखो भाई अपनी बेगमपुरा सुपरफास्ट का, देखिए क्या ब्यूटीफुल कर्व है यार, देखिए देखिए दोस्तों ये है रावी रिवर। भाई अभी हमारी जो ट्रेन है वो निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी हमारा जो स्टेशन आने वाला है वो पठानकोट आने वाला है, तो स्टेशन आने से पहले पहले हम वॉशरूम की सिचुएशन देख चेक कर लेते हैं कि वॉशरूम कैसा है, साफ है कि नहीं है। तो जो हमारे कोच हैं वो ICF कोच आप सभी को पता है, तो सबसे पहले जैसे आप आते हो तो यहाँ पे डस्टबिन मिलता है, यहाँ पे वॉश बेसिन मिलता है, और यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर मिलता है एंड वाटर टैप देखिए रनिंग में है, और यहाँ पे मिरर एकदम क्लीन है। चलिए अंदर चलते हैं वॉशरूम के, तो जैसे आप वॉशरूम के दोस्तों अंदर आते हो ना तो आपको यहाँ पे लिक्विड सोप मिलता है, यहाँ पे एक मिरर मिलता है, यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर वॉश बेसिन क्लीन है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो जैसे कि सोप फेस वॉश, और यहाँ पे आपको एक स्मोकी इंडिकेटर मिलता है, एंड यहाँ पे आपको फैन मिलता है, यहाँ पे पावर फ्लश बटन मिलता है। तो जो वॉशरूम की सिचुएशन है ना, वॉशरूम भाई ठीक है, क्लीन है, रेटिंग दूंगा इसमें 10 में से 8। So as you can see guys, हम पहुंच चुके अभी पठानकोट कैंट। तो दोस्तों टाइम देख सकते हो 4:08 हो रहे हैं, और जम्मू तवी से 99 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है, और पहुंच चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट पे जो अपना पठानकोट कैंट PTKC का स्टेशन कोड है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग 28 मिनट लेट आई है, 3 बज के
40 मिनट पे टाइम था लेकिन 4:08 पे आई है और 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस से पठानकोट कैंट पे। बाकी देखिए एक नंबर पे लगी थी हमारी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पठानकोट है ना दोस्तों, ये पंजाब में पड़ता है और काफी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है कैंटोनमेंट की वजह से। और अगर इस ट्रेन में खाने पीने की बात करें तो पेंट्री कार इसमें नहीं है, हमें ऑर्डर लेने के लिए आते हैं। जैसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे आ गए, जलंधर में आ गए या लुधियाना में आ गए, अब आते हैं वो तो हम रात के लिए ऑर्डर लेंगे। दोपहर वाला हम खा के आए थे। वो क्या दही है क्या वो? हाँ, एक बोतल दे दो दूध की। आ जाओ सर, पीना है सर दूध भी ना लाऊं? बाकी भाई ये लिया हमने दूध पठानकोट से और हॉन्ग भी हो चुका हमारी गाड़ी का, मात्र 2-2.5 मिनट रुकी होगी यहाँ पे। और ये दूध वगैरह लिया, भूख तो नहीं थी हमें तो कुछ ठंडा वगैरह पीने का मन था, दूध ले लिया हमने पीने के लिए। देखिए पठानकोट से निकल चुके हैं अभी हम, पर जो इसका नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है वो जलंधर कैंट आने वाला है। देखिए पठानकोट से अपनी बेगमपुरा का डिपार्चर, एंड यहाँ पे ये ट्रेन 28 मिनट लेट आई थी, 28 मिनट, 3:40 पे टाइम था लेकिन 4:08 पे आई थी। और अभी टाइम देख सकते हो 4:14 हो रहे हैं। खाने वाने का ऑर्डर दे दिया हमने, प्राइस नहीं पूछा, क्या पता कितने का प्राइस लगाएंगे। हमें वेज थाली का ऑर्डर दिया, अब देखते हैं लुधियाना में हमें सर्व होगा क्या प्राइस लगाते हैं, सब देखेंगे आपको और बताएंगे। तो दोस्तों टाइम देख सकते हो 5:30 हो रहे हैं और 5:25 पे टाइम था लेकिन हमारी बेगमपुरा को मारना पड़ेगा भाई। इतनी लेट होने के बावजूद भी इसने अपना सारा का सारा जो टाइम है लेट से आने का वो कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट पे, जो है पंजाब का जलंधर। जो जलंधर है इसका स्टेशन कोड है JRC और ये जलंधर कैंटोनमेंट है। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। जलंधर ये जाना जाता है, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स बनते हैं यहाँ पे और स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है अपना जलंधर। और जो जलंधर कैंट है यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन भी है दोस्तों। जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी अमृतसर को जाती है, एक पठानकोट वाली आ रही है, एक नकोदर को जाती है, एक होशियारपुर को जाती है और एक सीधी लुधियाना को जाती है। तो हमारी ट्रेन अभी लुधियाना के रास्ते ही जाएगी। और जो अपनी बेगमपुरा है ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है, इसको पहली बार चलाया गया था 8 फरवरी 2010 को नॉर्दर्न रेलवे द्वारा और रैक्स भी इसमें नॉर्दर्न रेलवे के लगे हुए हैं। और ये जा रही है लोकल ट्रेन, भाई इसको आगे निकाल दिया यार, इज्जत ही नहीं है बेगमपुरा की, शायद आ रही होगी ये। नहीं नहीं निकाल दिया भाई इसको आगे। हाँ हाँ पानी चाहिए क्या आपको? हाँ। सीधा जाओ, सीधा मिल जाए, इसमें पेंट्री तो है नहीं, अब वैसे ही लेना पड़ेगा। ले लीजिए आगे ट्रेन के ना, समय लगेगा। देखिए भाई डिपार्चर हमारी ट्रेन का, एक AC हो जहाँ कोई भी कोच हो यार, लोग बड़े क्या बोलूँ अब मैं यार, मतलब कोच के अंदर जाओ बंदा कोई ऐसे ही बैठ जाता है, बैग के ऊपर लेट जाता है, कुछ अंदर सामान पड़ा होता है, बैटरीज पड़ी होती हैं, कोई गैजेट्स पड़े होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुम होए या कुछ होए, सीधा डायरेक्ट आते हैं और बैठ जाते हैं भाई ऊपर। अब कुछ टूट जाएगा उनको बोलो, फिर उनसे लड़ाई करो, बहुत बेकार लगता है यार। किसी की सीट पे मत बैठो, और ऐसी सीट है अगला बंदा बोल रहा है कि तू दूसरी सीट पे जाके बैठ जा, साइड वाली साइड मिडल बर्थ पे जाके बैठ जा, मेरी साइड लोअर सीट छोड़ के मैं मिडल वाली बर्थ पे बैठूँ, हद होती है भाई कोई बेशर्मी। अभी बंदे को मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको सिर्फ बोला कि भाई RSC है ठीक है, अब नहीं उठेगा तो फिर हमें भी अपनी दिखानी पड़ेगी ना प्यार से, भाई कोई समझता नहीं है ठीक है। तो देखिए जलंधर से डिपार्चर लेट डिपार्ट किया इसने, 5:45 हो चुके हैं।
बाहर ठंड हो चुकी है तो अभी बंद कर लेते हैं भाई विंडो को, गेट को बंद कर लेते हैं। आप लेट जाओ। बाप रे इतनी भीड़ लुधियाना में, भीड़ है भाई देखो भीड़। दोस्तों टाइम हो रहा है भाई 6:35, जम्मू तवी से 264 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ हॉल्ट पे जो अपना लुधियाना जंक्शन स्टेशन कोड LDH, और 10 मिनट का हॉल्ट है हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस का लुधियाना जंक्शन पे, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट लेट आई है। लुधियाना ये पंजाब का काफ़ी बड़ा शहर है और ये जाना जाता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। हमें लगता है हमारा RAC बंदा, RAC वाला बंदा भी यहाँ पे आ गया। ये लिया हमने सूप अंकल की दुकान से, 10-10 रुपए का सूप मिल रहा है, अभी टेस्ट करवाते हैं आपको। देखिए हमारा गरम गरम टमाटो सूप, टेस्ट की बात करें तो बढ़िया है भाई, सही है। देखिए डिपार्चर हमारी ट्रेन का 6:52 पे निकल गई हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन से। देखिए कितनी का है? 150 का। 150 का है यार जी भाई, 80 रुपए की थाली 150 में बेच रहे हो आप? कौन बेच रहा है 80 रुपए में? हेलो, ये 80 रुपए की प्लेट है, कहाँ मिलती है? कौन सी बात, ट्रेन में ही मिलती है भाई, पहली बार थोड़ा ना यहाँ भटूरे मिलते हैं 80 रुपए के आजकल। इसका बिल दोगे आप? अब बिल थोड़ी आता इसका, बिल तो 80 रुपए की प्लेट है, लेना भैया। तो लेने की कौन सी बात है भैया, 80 रुपए की थाली है ये? रेलवे का नोटिस दिखाऊं आपको मैं? बताइए कितने का खाना है ये? 150 का। आईडी कार्ड दिखाओ अपना, ले आईडी कार्ड, ये देखिए। हाँ हाँ अभी कंप्लेन होगी। एंड देखिए 80 रुपए का खाना है और ये हमें कितने का? 150 में दे, 150 में दे रहे हैं। ठीक है, मैनेजर कौन है आपका? कोई मैनेजर, खुद ही मैनेजर। रेलवे को आप चढ़े कैसे फिर बिना बिल के? अरे तो पैसे दोगे यार क्या? भाई इसका बिल दो मुझे, बिल बिल नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा, भाई नहीं लेना मत ले। क्यों नहीं आएगा? जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे को देना? जबरदस्ती की बात हो रहा ना, बिल क्यों नहीं आएगा? 80 रुपए का खाना कब का? 2007 की बात कर रहे हो क्या? 2007 की अभी भी 80 रुपए का खाना है? बताना कहाँ 7 भाई, आप अपना वो दिखाओ ना फिर। अरे क्या ये ले यार, दे तो बिल दिखाओ ना हमें, बिल दिखाओ। मैं तेरा बिल मशीन लेकर चल रहा हूँ। तो मशीन तो फिर ट्रेन में कैसे चढ़े आप? ट्रेन कैसे में चढ़ा? ट्रेन में कैसे चढ़े फिर आप? भाई बदतमीजी कर रहे हैं ये, ट्रेन में कैसे चढ़े आप? बदतमीजी से बोल रहे हो, 80 रुपए का खाना है? 80 रुपए का खाना है ये? कब का बोल रहे हैं? कब का? अभी का बोल रहा हूँ। खाना खाना खा ले, जो जो इसमें क्यों खाना खा ले, मेरे से ले ले 50 रुपए। भाई 50 रुपए की बात नहीं है, गरीबों को लूट रहे हो आप, सभी को 150 को प्लेट दे रहे हो। 80 रुपए की प्लेट है भाई ये, कौन सी बात? अभी स्टेशन में बताऊंगा, ठीक है आपको। ये नंबर 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे हर एक पैसेंजर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मतलब इस ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है लेकिन साइड पैंट्री है, अगर इनसे कोई बिल मांगता है तो ये धमकी देते हैं कि नहीं है हमारे पास बिल, धमकी दी ना जो करना है कर लो। हाँ बोलते हैं जो करना है कर लो, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और रेलवे भाई कैसे लोगों को पैंट्री सौंप देते हैं? पहले सरकारी पैंट्री हुआ करती थी, सही प्राइस था, अब प्राइवेट पैंट्री है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से 150 रुपए लगा रहे हैं। इतना सा चावल है, 150 ग्राम चावल होते हैं, 100 ग्राम चावल डाल रहे हैं और पनीर के 2 पीस डाल रहे हैं और खुद मतलब ये देखिए आपको भी 150 की थी ना इधर सारी पूरी लाइन। और पानी की कितने की बोतल है? 20 रुपए की इनको पानी की बोतल। हाँ तो हर जगह, हाँ तो ये देखिए दिखाइए बोतल। अभी अम्बाला आ गया ना, आना है अम्बाला कैंट सिटी है, तो अम्बाला सिटी पे ट्रेन रुकी है। और देखिए किंग फिशर की बोतल, रेल नीर नहीं बेच रहे हैं ये, किंग फिशर की बोतल चल रही है भाई, किंग फिशर की, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप भी नहीं बोले, कोई नहीं बोला इस ट्रेन में, देखो सारे के सारे यात्री कोई नहीं बोला। लेकिन अभी आता है अम्बाला तो दिखाते हैं भाई अपने। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो सब्जी नहीं नहीं बस बस भैया बहुत है, दो दे दो का पेट भर है यार। आप सब्जी हो? हाँ अपना देख लो ना, बहुत है सब्जी पड़ी। देखो भाई क्या क्या करना पड़ रहा है, खाली पेंट्री वालों ने तो खाना नहीं दिया, तो मैम ने दिया खाना, लिखा हुआ था ना इसीलिए तो वापस हो गया हूँ यार। देखो
वो सच्चा होता ना, हाँ वो सच्चा होता ना तो वो बिल देता। और हमारी गलती ये है, हमने कोच अटेंडेंट को नहीं बुलाया, हम पुलिस वालों को बुलाते ना कि कैसे चढ़ गई है। अरे नहीं यार भाई, देखिए खाना वाना खा लिया है, एक बीएसएफ की मैम थी तो उन्होंने खिला दिया खाना वाना, बाकी कंप्लेन हमने कर दी है, देखते हैं क्या एक्शन लेती है अब रेलवे। बंदा यार मान ही नहीं लगा, धमकी दे रहा है, और हमारी ये गलती है, हमने ना पुलिस वालों को नहीं बुलाना, पुलिस वालों को बुलाना चाहिए था, फिर उनको पूछना चाहिए कि इनको किसने चढ़ाया। देखिए अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम बोल चुके हैं भाई अंबाला। अली का एक खाना दे लो, ये मेरे पास 58 नंबर खाली। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर, जो ये खाने वाले चढ़ रहे हैं इनको कौन चढ़ा रहा है सर? अरे तुम एक सीट यार, आरएसी क्लियर कर दिया ना, आप चले जाओ यार, उधर चले जाओ, सीट लो पहले। कौन सी सीट है? चले जाओ आप, चले पहले वो सीट लो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं उठ के चला गया होता। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन निकल रही है लखनऊ से। देखिए सुबह में आज लखनऊ खाली है। हाँ सुबह सुबह लखनऊ खाली है, पूरी पैसेंजर भर गए अंदर। गाड़ी गाड़ी वही होगी। गाँव में हमारी जो ट्रेन है वो 50 मिनट लेट है एंड रुकी होगी यहाँ पे। मैं तो अंदर सोया था भाई, और पता ही आपको आरएससी की सीट थी, कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई हमें सोने में, वो हमें पता है कैसे सोए, मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। बाकी जो कंप्लेंट की थी हमने उसकी कोई कार्रवाई नहीं। भैया जो खाने वाले चढ़ते हैं ये कहाँ से चढ़ते हैं, मतलब इनका कोई कैसे चढ़ने देते हो आप इनको यार? हम कहाँ चढ़ने देते हैं? हाँ तो मतलब चढ़ते हैं ठीक है, वो 80 रुपए की थाली 150 में बेचते हैं वो, और अगर उनको कोई बोले तो बोलते हैं जो करना है कर लो, सीएम को बताओ, जिसको बताना है बताओ। तो भाई वो लोग का पकड़ होगा इसीलिए। तो भाई मैंने कंप्लेंट की ठीक है, कोई मतलब रेल उस पर 139 पे की, तो मेरे को एक नंबर से कॉल आता है, पूछते हैं कि आपके पास उसका कोई कार्ड कूड है क्या। मैं उसका कार्ड लूँगा यार, हद होती है भाई किसी चीज़ की। मैंने बोला उसकी आइडेंटिटी प्रूफ है। बाकी ये रेल मदद पे कंप्लेन की है, इट किया है एंड इन्होंने हमसे नंबर मांगा है काइंडली। भाई डिस्प्ले क्या हो रही है यार? हाँ अब नहीं हो रहा है जगमग। बाकी देखिए ये इन्होंने नंबर मांगा है हमसे, सर काइंडली शेयर योर नंबर इन डायरेक्ट मैसेज। तो देखते हैं अब क्या कार्रवाई होती है। देखिए ये देखो, ये इसका आईडी कार्ड है। तो एक ही गाड़ी है ना, तो लिख देंगे एक ही साथ ठीक है, एक ही खाने में ऊपर नीचे लिख देंगे, पीएनआर बात करो। हाँ दोनों का भेज देंगे, जब एक ही जगह जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक ही गाड़ी है ना, पूछ उससे पूछ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो 1116 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 11th हॉल्ट पे, जो अपना सुल्तानपुर SLN इसका स्टेशन कोड है। 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी 9:45 पे आइए, यहाँ पे 9:25 पे टाइम था। बाकी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा यार, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। रात को कंप्लेन करी थी यार, एक बंदा क्या करे यार, मेरी गलती है, मुझे पता है मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन रात को मैंने कंप्लेन करी थी 139 पे। तो रिस्पांस क्या आया, एक नंबर से मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि आपने कंप्लेन करी है साइड पेंट्री को वालों के खिलाफ, और क्या आपके पास उनकी आईडी या जो मतलब खाना दे रहे थे उनके बैच पे यहाँ पे IRCTC लिखा था। तो मैंने बोला सर मेरे पास तो पूरी वीडियो पड़ी है। उसके बाद बोलते हैं चलो कोई नहीं, हम कार्रवाई करते हैं, उसके बाद हमारी जो कंप्लेन है वो क्लोज कर दी जाती है। ये है भाई अपना रेलवे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्वीट करता हूँ, दिखाया था आपको सुबह भी ट्वीट। ये देखिए इन्होंने पर्सनल नंबर मांगा था मेरे से, इस वाला दे दो। हाँ जी, ये कितने ये? कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ ये ढूंढ रहे हैं, शुक्र है भाई सुनवाई हुई हमारी भी। कहाँ जल्दी आएगा, अंदर आएगा। चलो भाई सुल्तानपुर पहुंची हमारी ट्रेन और अभी इनको होश आ गई है। अभी देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। ये नहीं ढूंढ रहे कहाँ कहाँ पे है वो, लेकिन हमने कल की थी खाना कब खाया, तो 10 बजे खाया, 10 बजे कंप्लेन किया, कल किया। हाँ वो देखिए बोल रहे हैं, अभी ये देखो अभी मैं मोदी को भी ट्वीट करूंगा,
अभी मैं मोदी को भी ट्वीट करूंगा भाई। हाँ आप ऐसे वेंडर को चढ़ाते क्यों हो सर? नहीं ऐसे वेंडर को चढ़ाता कौन है? ये देखो भाई 10 घंटे पहले इतना बुरा लगा। हाँ उसने एक बेकार सा आदमी इतनी बदतमीजी से इससे बात करके गया है। हम ये देखो इतनी बदतमीजी, देखो सर कितने घंटे पहले ट्वीट हुआ। देखो ये हमारी गलती नहीं है, ये रेलवे की गलती है। रेलवे अभी देख रहा है, देखो रेलवे सुबह देख रहा है, ये हमारी गलती है। किसको आप डील करने आए ना यहाँ? डील नहीं कर रहा, मुझे वहां से आया कि कंप्लेन है, जाके अटेंड कीजिए। क्या बात है? ये बात ही नहीं पता तुम्हारी यार। ये देखो अभी हमको जो कंप्लेन, तो सर रेलवे ने हमें अभी रिप्लाई दी है। ये मैं दिखाता हूँ कंप्लेन नंबर, आपके पास कंप्लेन कै बजे गया? उसका लाइसेंस नंबर ही नहीं है, उसका लाइसेंस नंबर ही नहीं था। नहीं नहीं ये टेंडर है ना जिसके पास, उसको बुलाइए टेंडर को, जिसके पास टेंडर है इसका, मतलब सारी पेंट्री है ना इसमें, ऑन बोर्ड कैटरिंग और री कैटरिंग पेंट्री कार नहीं। आप इस गाड़ी में टीएसपी है ही नहीं है। आप कैटरिंग जो है आज दोपहर से हुआ है, इसमें ई कैटरिंग और ऑन बोर्ड कैटरिंग है। और कैसे चढ़ गए वो बंदे हमें लूटने के लिए? 80 की प्लेट 150 में, और हाँ सुबह यहाँ 30-30 की कॉफी दी जा रही है, 10 की कॉफी 30 में दी जा रही है, तो कौन पूछना? कल 150 का खाना दिया, 80 की प्लेट 150 की दी, जब मैं बोला तो वो धमकी दे कर गया, ऐसे कैसे चलेगा? पानी की बोतल 20 की दी जा रही है, और रियल लीन नहीं था वो, क्या उसका किंग फिशर का, जैसे दारू के साथ नहीं लगाते हैं पैक में किंग फिशर, वो बोतल दी जा रही है। बोलना था तुझे चढ़ाया किसने? ना तेरे पास लाइसेंस नंबर है। So, भाई जो बंदा था देखिए, इसका है फर्जी आईडी कार्ड, नाम नूम देख लो इसका, तभी वो दिखा रहा था, ये लो मेरा आईडी कार्ड आपका। हाँ इस पे होगा, ये ओरिजिनल है ठीक है। 19 तारीख है, इससे पहले इसमें फर्जी थे सब, है ना, और आज से इसमें जो मतलब पेंट्री वाले हैं, साइड पेंट्री है ना आपकी, तो साइड पेंट्री वाले हैं वो ऑथराइज हैं भाई हैं। तो एक बार रेट बता दो सही सही, खाने का कितना रेट है? 80 रुपया और पानी का 15 रुपया। रेल नीर और वो साला किंग फिशर बेच रहा था, जैसे दारू के साथ नहीं लगाते हैं बैग हमारे इधर। हाँ तो देखिए भैया ईमानदार है, भैया पूरा प्राइस बता रहे हैं, और इससे पहले अनऑथराइज था। बात मिली है ना, अब से आपको इस रेट में पूरा सही रेट मिलेगा। ठीक है भैया थैंक यू, और कंप्लेन अब देखते हैं। उस बंदे को तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फादर भी गए बट आप दिखे नहीं यहाँ पे। मैं आपके पास दौड़ते रहूं चारों तरफ कोच में, क्या भूले ढूंढे? क्या भूले आप? क्या बोले हमारे पास चार रहे तभी ना नहीं, अंदर मान लो चढ़ेगा बीच में। नहीं नहीं एक तो तुम बोल रहे हो कि हम आए तुम्हारे पास, तुमसे लेरिन मांगने, हम तुमसे मांगने आएंगे लेरिन? हम 2 बार 1 घंटे तक दौड़े हैं, तुम वहाँ थे नहीं, तो कहाँ जाएंगे आप? ये तुम जानो कहाँ थे, हम जाए तुम्हारे पीछे कोच में ढूंढने के लिए तुमको? वो बोल के गया है, वो आदमी चिल्लाइए नहीं, चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा हूँ? बोल के गया कि खत्म हो गया है? वो हमसे बोलिए ना आप, सबसे किसका किससे आगे बोलेंगे? वो सफाई वाला उससे मत बोलिए, हमसे बोलिए ना। क्यों उठा रहा है वो, क्यों उठा रहा है ये सब? यूज वाला है जो पहले से यूज हुआ है। साले बदतमीजी से बात कर रहे हो, गाड़ी में खत्म कर रहा है। साले आप बोलिए ना, जवाब वहां पे जाओ, आप से ज्यादा बंदा जवाब हमारा है। हां जाओ, जाओ है। पहली बात ये आप किसी को नहीं ढूंढोगे, बताइए आपको देना चाहिए। ढाई घंटे में ढूंढूंगा। ये बताइए जो जम्बूस चले हैं, आप ही जम्बूस आए हो? हमें मिला, बेटो मिला था ना, हमें मिला। बीच में जो आता है वो हमसे मिलता है तब मिलता है वो। अब बीच में जो चढ़ गया अपने बैठा हुआ, चाहे जो भी टिकट हो, चाहे डीडी से संपर्क किया हो, जब हमें बताया तो ही दे पाएंगे। हमारे पास चार्ट नहीं पहले पड़ा हुआ है, और बात समझिए जी। बाकी 1212 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया, और पहुंच चुके अपने लास्ट हॉल्ट पे, जो अपना जौनपुर सिटी। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। जो हमारी ट्रेन है बेगमपुरा, ये चल रही है भाई 35 मिनट डिले। तो आई थिंक जो इसका नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है, वो आने वाला है हमारा वाराणसी, एंड ये ट्रेन कवर कर लेगी। बाकी रिपोर्टिंग की बात करें तो अभी तक की रिपोर्ट ये है कि जो हमने कंप्लेन करी थी अपनी बेगमपुरा की, इसमें फ़ोन किए, फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं मेरे को कि भाई कहाँ से बंदा चढ़ा था, वो अनऑथराइज था, आप हमें फंसा रहे हो, ये है वो है, क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया है। तो अब इनके टीटी तक पकड़ हो रही है, बाकी रेलवे एक्शन ले रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें। बाकी साफ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है इस ट्रेन में।
दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन जौनपुर से निकली और 114 की रफ्तार में दौड़ा रहे हैं इसको भाई। तो भाई टाइम देख सकते हो 1:25 हो रहे हैं और यात्री पैदल जा रहे हैं। देखो उधर उधर के लो भैया, शुक्र है कहीं वाराणसी का नाम याद आ गया इस ट्रेन को। सो भाई 2 बज चुके हैं पूरे, मतलब 7 मिनट है 2 बजने को और अपनी बेगमपुरा में लास्ट मोमेंट पे इतना दुख दिया ना कि क्या है बताओ भाई। 12:15 पे खड़ी थी। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब IRCTC कंप्लेंट करी ना तो IRCTC बारे में और हमारे बंदे ही नहीं है, मतलब साफ साफ इनकार कर दिया। बाकी अगर आप जर्नी करते हो तो भाई रेट वेट देख लो। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, तो मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।